भागलपुर के द्वारा व्यवसाय व बकरी पालन एवं जल प्रबंधन विषय पर 5 दिवसीय राज्य के अंतर किसान परिभ्रमण प्रशिक्षण का कार्यक्रम के तहत कुल 150 कृषक को बांका कटोरिया मुक्ति निकेतन के लिए रवाना किया गया। अरुण कुमार संयुक्त निदेशक, कृष्णकांत झा जिला कृषि पदाधिकारी, प्रभात कुमार सिंह उप परियोजना निदेशक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं संयुक्त निदेशक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से एक प्रयास किया गया है, उसी के तहत आज लगभग 150 महिला व पुरुष किसानों को बकरी पालन के लिए बांका भेजा जा रहा है, ताकि बकरी पालन हम कैसे करें और किस नस्ल की बकरी होनी चाहिए और उसका रख रखाव कैसे हो जिससे अधिक फायदा हो, वही प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सभी को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा एवं बैंकों से बकरी पालन को लेकर के लोन भी मुहैया कराई जाएगी। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. आज यहाँ से कटोरिया के लिए 30 महिला किसान और 120 पुरुष किसान वो जा रहे हैं प्रशिक्षण के लिए। वहाँ पे व्यावसायिक बकरी पालन पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही कटोरिया में जल का अभाव रहने के कारण वहाँ पे भूमि संरक्षण का कार्य बहुत बढ़िया से हुआ है, तो उसका भी लोग देखेंगे और उसका थोड़ा सा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे किस तरह से करना है और पानी किस तरह संरचना संरक्षण करना है, उसे हॉर्टिकल्चर प्लांट या सब्जी वगैरह कैसे हम लोग खेती कर सकते हैं, मौसम अनुकूल खेती कैसे करना है ताकि उसका आय जो है तो दुगुनी हो सके और जो ज़मीन बेकार पड़ा हुआ है उसका सदुपयोग कर सके। ये लोग आएंगे, 5 दिन का प्रशिक्षण में जा रहे हैं, वहाँ से प्रशिक्षण लेके आएंगे तो अपने अड़ोस पड़ोस के किसानों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे। लोग व्यावसायिक बकरी का जो पालन करेंगे तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार के एक बहुत वक्ता जो है संतोष कुमार जी पटना से आ रहे हैं देने के लिए इन लोगों को प्रशिक्षण, और वो जो है तो 5 दिन में इन लोगों को बकरी का कैसे पालन किया जाएगा, उसका आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेटस क्या होगा, कि बकरी बच्चा मेमना खरीदने में कितना पैसा लगेगा, उसका पालन करने में कितना लगेगा, उससे फ़ायदा कितना होगा, कुल सब चीज़ की जानकारी विस्तृत रूप से इन लोग को 5 दिन में दिया जाएगा और इसके बाद ये लोग आकर के अपना खेती करेंगे, अपना पशुपालन बकरी पालन करेंगे, ताकि इसको वहाँ से एक बात और लोगों को वहाँ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर ये पशुपालन विभाग से इन लोगों को लोन भी मुहैया कराया जाएगा और उस पर सब्सिडी भी इन लोगों को दिया जाएगा, तो इसी उद्देश्य से सब लोग जा रहे हैं, हम उसके भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए करें SAY24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।